हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल 2019 में फॉर्मेट पेंटर क्या होता है आइए समझते हैं। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं या वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं एज यू विश। कि पूरा डेटा कॉपी करने से अच्छा है आप फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो डेटा है ये पूरी तरह से सेट डेटा है और इस पे कलर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, सेम फॉर्मेट हम इस पे भी चाहते हैं। डेटा सेम है आपका लेकिन फॉर्मेट देखिए इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, बहुत बेकार लग रहा है ये, ठीक है। इधर का उधर लिखा हुआ है, कोई चीज सीक्वेंस में नहीं है, सब इधर उधर लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो ये कैसे अप्लाई होगा, कहां से होगा, ये समझते हैं। देखिए दो तरीके से हो सकता है, एक तो शॉर्टकट की मदद से और दूसरा आप होम टैब में ही रहते हुए और फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट जिसे आपको कॉपी करना है उसको पूरा कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया। अगर आप शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट सी ये प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। चलिए मैं क्लिक करके ही दिखा देता हूं। ये क्लिक हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये हाईलाइट हो चुका है, मतलब कि इसके चारों तरफ इट मींस कि ये कॉपी हो चुका है। और यहां पर आपको एक ब्रश जैसा सिंबल दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रश दिख रहा है आपको। अब आपको माउस का राइट बटन लेफ्ट बटन दबा लेना है और इसको ड्रैग करते हुए चले जाइए यहां तक। कहां तक चाहिए हमें फॉर्मेट पूरा चाहिए तो यहां तक आ जाइए। तो देखिए सेम एकदम फॉर्मेट में ये भी आ जाएगा। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। आपका डेटा नहीं चेंज हुआ लेकिन फॉर्मेट बदल गया, ये होता है फॉर्मेट पेंटर। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।